हुण नाटो ने रूस नूं दे दित्ती है चेतावनी, यूक्रेन तो तुरंत अपनी फौज नूं हटावे रूस। इस मौके ते नाटो ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियमों दा सम्मान करे रूस। नाटो दे जनरल सकत्तर जेंस ने कहा कि रूस दी कार्रवाई गैर वाजिब अते गलत। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो ने चेतावनी भरे लहजे दे विच कहा है कि रूस नूं अपनी मिलटरी कार्रवाई नूं रोकदे होए तुरंत यूक्रेन तो हट जाना चाहिदा है। रूस नूं अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान करना चाहिदा है। रूस की नीयत दुनिया वेख रही है, वह यूक्रेन के उपर अपनी ताकत की वरतों कर रहा है। नाटो के जनरल सकत्तर जेंस स्टोलनबर्ग ने यूक्रेन से रूस की कार्रवाई नूं गैर वाजिब और गलत तक करार दे दिता है। उत्तरी अटलांटिक परिषद की एक असाधारण बैठक के बाद ब्रसेल्स बेल्जियम स्थित नाटो हेडक्वार्टर ने मीडिया नूं स्टेलनबर्ग ने कहा है कि साढ़े कोल अपने हवाई खेतर की रक्षा करने वाले 100 तो वध जैट अते उत्तर तो भूमध सागर तक समुद्र विच 120 तो वध जंगी जहाजों का बेड़ा है। असी अपने सहयोगी नूं हमले तो बचाउण दे लई जरूरी कदम चुकांगे। स्टोलनबर्ग ने कहा है कि असी रूस नूं अपनी मिलटरी कार्रवाई नूं तुरंत रोकण अते यूक्रेन समेत उसके आले दुआले तो अपने सारे बलों नूं वापस लैण दे वास्ते कह दिता है। उन्होंने दस्या कि अज असी वाशिंगटन संधि की धारा 4 के तहत सलाह मशवरा किया है। इस दौरान अपने सहयोगियों की रक्षा करने के लिए बचाव की योजना बनाई गई है ता जो गठजोड़ की रक्षा नूं होर ज़्यादा मजबूत करने के लिए वाधू कदम चुके जा सकन। नाटो के जनरल सकत्तर ने रूस तो अंतरराष्ट्रीय मनुखी कानूनों का पूरी तरह के नाल सम्मान करन अते सारे लोड़वंदां नूं सुरक्षित रखन अते उन्हां तक जरूरी मदद पहुंचाउण की इजाजत देण की अपील की है। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव विच होस्टेमेल हवाई अड्डे ते रूस ने वड्डा हमला बोल दिता है, जिथे कि यूक्रेन के दावे के मुताबिक हुण तक 40 के करीब लोगों की मौत भी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी।